क्लास थी उसमें इसका फर्स्ट पार्ट हमने रिकॉर्ड करवाया था, सॉल्यूशन दिया था। आज का जो क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई करो। उस समय एयर है आपका 2018, क्वेश्चन नंबर टू, सेकंड पार्ट, सिंप्लीफाई। यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें एक चीज तो है रेडिकल साइन आपको नजर आ रहे, रेडिकल साइन, ये रेडिकल साइन होता है। इस रेडिकल साइन के यहां पे इंडेक्स में अगर कुछ भी नहीं है तो यहां पर होता है टू। टू यहां पे लिखने की जरूरत नहीं होती है, बहुत छोटा सा टू लिखा जाता है, इंडेक्स के अंदर होता है ये, इसके अंदर होता है, ये लिखा नहीं जाता। रेडिकल साइन जब भी रिमूव किया जाता है तो होल पावर आ जाती है 1/2, यानी इसका मतलब है पावर हाफ। और अगर इंडेक्स में कोई नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इंडेक्स में लिखा हुआ है 3, तो यहां पे पावर आ जाएगी 1/3। अगर इंडेक्स में लिखा हुआ है 5, तो यहां पे पावर आ जाएगी, जब मैं रेडिकल रिमूव करूंगा तो यहां पे पावर आ जाएगी 1/5। कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 32, ये कोई आपको दिया हुआ रेडिकल, 5 लिखा हुआ है इंडेक्स में, अंदर लिखा हुआ है 32। तो जब मैं रेडिकल साइन रिमूव करूंगा तो ब्रैकेट में लिखूंगा 32 और होल पावर में लिख दूंगा, क्योंकि इंडेक्स में वो फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/5, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो रेडिकल साइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये पावर है हाफ। क्लियर? ये क्वेश्चन से हट के थोड़ी सी चीजें मैं समझा रहा हूं आपको। पहली चीज तो ये होगी, आगे सॉल्व करने के जो भी मेथड है, फॉर एग्जांपल ये था 5, तो 1/5 इसकी पावर होगी। अब इस 32 को क्या लूंगा मैं, 32 को अगर मैं 2 को, अगर मैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाता है, ये इज इक्वल टू 32, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। तो इसलिए मैं 32 को इस तरह ब्रेक करूं तो 5 टाइम्स 2 लिखा जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ हर एक 2 के ऊपर पावर कितनी होती है, 1। और जब सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मैथमेटिक्स में क्या होता है, सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर एड हो जाती है। तो 2 की पावर ये कितने 1 आ गए, ये सारे पावर में एड हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 5। तो ये 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 5। अब क्या होता है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 raised to the power ये 5, इसके बाहर जो होल पावर है 1/5, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 into 1/5, पावर से पावर कैंसिल हो गई, आंसर आपका आ गया। ये तो मैंने एक अलग से एक छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए कि रेडिकल्स के अंदर अगर नंबर्स हैं तो उनकी सिंप्लीफिकेशन कैसे की जाएगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, इसमें मुझे चाहिए पूरे मार्क्स, तमाम स्टूडेंट्स इसमें फुल मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो इसका सॉल्यूशंस प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन देंगे हम। सॉल्यूशंस की हेडिंग डालिए, क्वेश्चन उतारिए अपना, 216 होल पावर 2/3, 25 होल पावर 1/2, और 1/25 होल पावर -3/2। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त देखें आपको क्या देना है, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे इज इक्वल टू डाल दूंगा, यानी इसके बाद ये स्टेप है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्या चीज देखनी है आपको, इन रेडिकल्स के अंदर जो चीजें दी हुई है आपको, जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो इनकी सिंप्लीफिकेशन आप पहले कर लें। कैसे करेंगे, जो इस नंबर के ऊपर पावर दी हुई है 2/3, उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो क्या है 3,
90% क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि ये नंबर किसी नंबर की पावर 3 होगा, डिनोमिनेटर में ये नंबर आ रहा है ना 2/3 आ रहा है ना, तो ये किसी नंबर की पावर 3 होगा, चेक करने जरूरी नहीं है, 100% जरूरी नहीं है, लेकिन 90% क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है। 216, अब 216 किसकी पावर होगी, 216 को हम कैसे ब्रेक करें, 216 6 आ रहा है लास्ट में, तो देखिए नंबर्स जिसको जो हम ब्रेक करते हैं सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3 3 द 9, 9 3 द 27, 4 को 4 4 द 16, 4 में आ रहा है 6, 4 के आखिर में 6 आ रहा है, लेकिन क्या 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करके 216 आ रहा है, 4 4 द 16 और 16 4 द 64 आ रहा है, 216 नहीं आ रहा, तो ये मैंने जो सोचा था कि यार हो सकता है कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 216 आ जाए, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं है। फिर और आगे चलते हैं, 4 के बाद 5 में तो 6 आ ही नहीं सकता, 5 में तो जितनी भी दफा मल्टीप्लाई करो लास्ट नंबर 5 ही आता है, 5 5 25 25 5 125 125 125 625, 5 की जितने भी मल्टीपल्स रहेंगे जितने भी दफा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट 5 ही आता है, 5 के बाद 6 को चेक करते हैं, 6 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं 36 क्या होता है नहीं याद ना, कोई बात नहीं मल्टीप्लाई करोगे 6 6 36 6 6 36, 3 कैरी 6 3 18 और 3 ऐड कर दिया तो 216, ये देखें मिल गया हमें जिस चीज की तलाश में थे हम कि ये 216 को किसको और किस नंबर में ब्रेक करें, तो देखें 6 6 36 और 36 6 216 6 6 36 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 6 216, तो डिसाइड हो गया कि इस 216 की जगह मैं क्या लिखूंगा, इस 216 की जगह मैं लिखूंगा 6 की पावर 3, ये पावर ये नंबर 3 जो दिखाई ये 6 की पावर है, 6 की पावर 3 होल पावर क्या है 2/3, होल पावर क्या है 2/3 इनटू, ये तो सिंपल है, ये तो क्लास 6-7 के बच्चे भी बता देंगे कि 25 को किस में ब्रेक करेंगे हम, 25 क्या होता है 5 5 25, यानी 5 की पावर 2, इस 25 की जगह क्या लिखूंगा 5 की पावर 2, डिनोमिनेटर में हम आते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 का तो कोई इशू नहीं है, 1 का तो जो मर्जी पावर लिख ले, 1 की पावर 5 भी 5 होता है, 1 की पावर 9 भी 5 होता है, 1 की पावर 3 भी सॉरी 1 की पावर 1 3 भी 1 होता है, 1 की पावर 5 भी 1 होता है, 1 की पावर जो भी ले 1 ही होता है, डिनोमिनेटर के बारे में सोचेंगे, होल पावर का डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो ये नंबर भी किसकी पावर बनेगी, जिस भी जो भी नंबर होगा उसकी पावर 2 बनाना पड़ेगा, तो 25 फिर वही बात आ गई इसकी तरह, 25 क्या है 5 की पावर 2, तो डिनोमिनेटर में भी मैंने लिख दिया 1/5 की पावर 2 और होल पावर -3/2, ओके। क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, अब अगला स्टेप रेडिकल साइन एज इट इज रखे हैं, अभी ये रेडिकल साइन एज इट इज चलाएं, आप देखते पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने समझाया था आपको पावर से पावर के ऊपर होल पावर हो तो वो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो क्या हो जाएगा ये 6 3 × पावर क्या हो गई 3 × 2/3, ये पावर 3 होल पावर जो ऊपर बाहर पावर है 2/3 उससे मल्टीप्लाई होगी, डॉट डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, डेसिमल नहीं है ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या 5 की पावर 2 और होल पावर 1/2, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, डिनोमिनेटर में क्या हुआ, डिनोमिनेटर में क्या हुआ, ये 1 के ऊपर पावर डाल दूं मैं या पूरे ही रखने चले कोई इशू नहीं, 1/5 1/5
ये पावर टू ऊपर माइनस थ्री अपॉन टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, टू इंटू माइनस थ्री अपॉन टू। ठीक, कोई इशू, कोई ऐसा मसला नहीं है, सिंपल हमने किया है। अभी तक क्या किया हमने, इन नंबर से ब्रेक किया, सही है, उसके बाद पावर से पावर मल्टीप्लाई की, दो काम किए अभी तक सिर्फ, नंबर्स को 216 को 6 की पावर 3 लिख दिया, 25 को 5 की पावर 2 लिख दिया, इस 25 की जगह पे भी 5 की पावर 2 लिख दिया, पहले स्टेप ये किया। दूसरे स्टेप में पावर के ऊपर बाहर एक और पावर है, पावर के ऊपर बाहर एक पावर है, पावर के ऊपर बाहर एक और पावर है, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये स्टेप आई हमारे पास। जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो क्लास 4-5 में आपको सिखा दिया जाता है कि मल्टीप्लीकेशन में इस तरीके से कैंसिलेशन हो जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से ये टू और टू, ये और टू, समझ में आया कि मैंने क्यों डिनोमिनेटर को कंसिडर किया था, डिनोमिनेटर का नंबर जो था उसको मैंने क्यों सोचा था कि यार इसके डिनोमिनेटर में थ्री है तो मैं भाई इसको किसी नंबर की पावर थ्री बनाऊं, इसके डिनोमिनेटर में टू है तो इसे मैं किसी नंबर की पावर टू बनाऊं, इसके डिनोमिनेटर में टू है, सही है, तो पावर के डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो पावर बनाने का सोचा करें, जरूरी नहीं है बन जाए, कोशिश करनी है। अभी हमने कोशिश की और हो गया ये सॉल्व, क्वेश्चन आएंगे जिनमें नहीं हो रहा होगा उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। क्या बच गया, रिजल्ट क्या आया, 6 की पावर 2, यहां पे आ गया 5 की पावर 1, डिनोमिनेटर में आ गया 1 अपॉन 5 की पावर माइनस 3। ओके, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये 6 की पावर 2 अगर है आपके पास तो इसका मतलब है 6 इंटू 6, पॉइंट लगाऊं या मल्टीप्लाई लगाऊं कोई ऐसा मसला नहीं है, 1 की पावर माइनस 3 या 1 अपॉन 5 की पावर माइनस 3 है ना, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस 3 ऊपर चले जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से जब ये न्यूमिनेटर में शिफ्ट करूंगा मैं से तो इसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है, जब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं या न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो पावर की साइन चेंज हो जाती है, इधर पावर माइनस में थी ना तो माइनस, अगर पावर है माइनस हो तो उसको पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए उसको शिफ्ट कर देते हैं, अगर न्यूमिनेटर में माइनस 3 होता है तो उसे मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूं, अगर डिनोमिनेटर में माइनस 3 है तो इसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 5 रेडिकल साइन से बाहर लिखना है, इधर नहीं लिखना, ये इंडेक्स होता है, इधर नहीं लिखना, इधर लिखना है, अंदर क्या बच गया 5, 1 अपॉन 5 की पावर 3, 1 अपॉन 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5, सिंपल, जो पावर होती है उसकी दफा नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 अपॉन 5 की पावर 3 बचा था, 1 अपॉन 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हुआ, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 6, और रेडिकल साइन के अंदर क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5, ये 1 अपॉन 5 का भी देखिए पेयर बन गया, दो दफा आ रहे ना, तो अगर पेयर बन जाता है तो रेडिकल साइन से बाहर आ जाता है, तो क्या आया रिजल्ट मेरे पास 6 इंटू 1 अपॉन 5, तो फाइनल हमारा रिजल्ट आ गया 6 अपॉन 5, और इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा 5 अंदर 5, 1 रिमाइंडर 1 अपॉन 5, 6 अपॉन 5 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होल 1 अपॉन 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।